हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बेबी को ठंड या फिर सर्दी जुकाम हो गई है तो आप एक रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये है बेसन का शीरा। तो अब इसके लिए आप अच्छी क्वांटिटी में घी डाल दीजिए, फिर आपको इसको थोड़ा सा गर्म होने देना। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो आप इसमें बेसन डाल दीजिए। मैंने सिर्फ छोटा सा ये जो स्पून आपको दिख रहा है, एक चम्मच ही बनाया था मैंने उसके लिए, ज़्यादा नहीं बनाया था। तो आप इस रेसिपी को किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ना ये एकदम से घी कम लगा था, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी में घी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो घी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें तो अच्छा है, क्योंकि बेबी को इस टाइम बहुत कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, नेज़ल कंजेशन होता है, थोड़ी कंजेशन भी रहता है। सो थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ठीक ठाक रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें ना बहुत कम रखें। तो देख सकते हैं घी डालने के बाद ये कुछ ऐसा इस तरीके का हो गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से आपको रोस्ट करना है, और इसमें से ना अच्छे से फ्रेगनेंस आने लग जाएगी। और ऐसा नहीं, आपको बहुत देर तक फुल गैस पे तो बिल्कुल नहीं पकाना है, लो पे ही पकाते रहना है आपको। तो देख सकते हैं कि इस स्टेज पे जैसे ही अच्छे से पक गया था और अरोमा आ रहा था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी की क्वांटिटी आप बहुत नहीं डालिए, डिपेंड है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो मैं थोड़ी ही क्वांटिटी डाली, उसके बाद पानी के बाद ये कुछ इस तरीके का गाढ़ा सा हो गया है। और आपको इसको थोड़ा सा गाढ़ा और होने देना है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक हो जाए। सो आपको अब अपने हिसाब से इसमें जैगरी पाउडर डालना है, या तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैगरी ही प्रेफर करा। तो मैंने 2 स्पून जैगरी पाउडर इसमें डाला है। आप अपने हिसाब से स्पून कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। सो देख सकते हैं थोड़ा सा गिर भी गया है, तो प्लीज़ उसको आप अवॉइड करिएगा। तो इसको आप इसको जैगरी पाउडर को आपको डालने के बाद इसे अच्छे से स्टेयर करना है। और ये जैगरी पाउडर मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है बेसन में, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ये बिल्कुल बन चुका है। सो आप थिकनेस या फिर किस तरीके का आपका बेबी खाता है, आप उस हिसाब से ही रखिए। सो देख सकते हैं कि ये इतना यमी बना था। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।